दोस्तों मैं मोहम्मद अशरफ, मैं रहमत अल्लाह। दोस्तों आप देख रहे हैं आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। वीडियो लाइक शेयर कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे। चलते हैं, घर में घुस कर मारेंगे। बहुत पुराना डायलॉग है, कैसा कैसा पीटा पुराना, सुन सुन के जो है ना काम जो है ना थक चुके हैं। चलो जी वीडियो लॉक शेयर किया, पर देखते हैं वीडियो, फिर से बात करते हैं। क्योंकि इंडिया इंटरनेशनल फोरम पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाकिस्तान की उस तरह बात नहीं सुनी जा सकती, क्योंकि हम इकोनॉमिकल क्राइसिस वाले मुल्क की कभी कोई इज्जत नहीं होती, कभी कोई बात नहीं सुनते। बात ये नहीं कि आप इकोनॉमिकल क्राइसिस में हैं, बिल्कुल ये झूठी बात है, प्रोपेगेंडा है। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है, मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो वीडियो है नाला पाकिस्तानी रिएक्शन का, और उसका टाइटल है घर में घुसकर मारेंगे, इंडिया एक्टिव इन पाकिस्तान। अच्छा जी, तो जैसे कि मैंने कल जो डिफेंस मिनिस्ट्री पर वीडियो बनाया था कि द गार्जियन की रिपोर्ट है एक बड़ी ही घटिया सी बेकार सी डिफेम करने की, वो पूरी रिपोर्ट वही है जो पाकिस्तान बोलता आया है, न उसमें सबूत दिए गए हैं, न उसमें कुछ सोर्सेज दिए गए हैं वैसे कि जिन पर विश्वास किया जा सके, हवाबाई बातें की गई हैं। अब उसके बाद जो है वो बड़ी चर्चा है पाकिस्तान में, और अब राजनाथ सिंह ने भी कह दिया, राजनाथ सिंह से एक इंटरव्यू में सवाल पूछा गया, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं उनसे सवाल पूछा गया कि जी ऐसा है कि पाकिस्तान में आतंकवादी हैं और ये है वो हैं, तो राजनाथ सिंह जी ने कहा कि देखिए भाई, अगर आतंकवादी हमारे यहाँ हमारे देश में आकर कोई आतंकवादी घटना करते हैं और वो छुप के भाग के पाकिस्तान चले जाते हैं तो हम वहाँ भी उन्हें घुसकर मारेंगे। अब आप जिसको जो आकलन निकालना निकालते रहिए। तो चलिए अब इस पर पाकिस्तान की जनता क्या कहती है, आइए देखते हैं। रिएक्शन दोस्तों, आज हम उसी खबर के ऊपर पब्लिक रिएक्शन रिकॉर्ड करने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा रखी है। यूके का पेपर द गार्डियन ने एक रिपोर्ट शाये की और कहा कि 2020 से 2024 के बीच 20 से ज्यादा जो पाकिस्तानी मारे गए हैं उसमें इंडिया की एजेंसी का हाथ है। ये बहुत बड़ी खबर है। इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने कहा है कि नहीं, इंडिया ऐसा कभी नहीं करता और हमारी ये स्टेट पॉलिसी नहीं है, हमारा कोई ऐसा एजेंडा ही नहीं है। और ये जो एंटी इंडियन जो चीजें हैं, क्योंकि इंडिया में इलेक्शंस है और इंडिया को जो दबाने की जो है कोशिश की जा रही है, और यूके का ये कहना है जी हमने इंडियंस के जो एजेंट्स हैं उनसे बात की है, पाकिस्तान एजेंसीज के लोगों से बात की है। सर, सवाल ये पैदा होता है कि 20 लोग तो मरे पाकिस्तान। जी जी बिल्कुल। और ये वो लोग थे जो कश्मीर के अंदर जहाद को प्रमोट करते थे, ये कश्मीर की आजादी में थे, और जाहिर है जो इंडिया के कश्मीर की बात करते हैं इंडिया के लिए तो वो दहशतगर्द है। इंडिया ने अपने टॉप टेररिस्ट को इधर आकर ठोका मारा, और हमारे खबर चलती है कि भाई टारगेट किलिंग होगी, बंदा मर गया, आज तक कोई पकड़ा गया बताएं? जी जी, कभी भी कोई पकड़ा नहीं गया है। और इंडिया इंटरनेशनल फोरम पे हमसे बहुत ऊपर जा चुका है। और अभी आपने सुना होगा जो ब्रिक्स है, इस ब्राज़ील रशिया इंडिया, ये जो इनकी एजेंसी बनी है, तो इंडिया हमारी नस्बत बहुत टॉप पे है और इंटरनेशनली इंडिया को रिकॉग्नाइज़ किया जाता है हमारी नस्बत। और पाकिस्तान के क्योंकि इकोनॉमी के हालात ही इतने बुरे हैं तो हम लोग आपस में रोटी कपड़ा मकान पे लड़ें और इंडिया हमें दबा रहा है इंटरनेशनल फोरम पे, तो दे कैन डू व्हाटएवर दे वांट, और वो दुनिया में पहले भी कर रहे हैं वो अब भी करेंगे, और उन्हें कश्मीर चाहिए और वो कश्मीर को आज़ाद नहीं होने देंगे। एज फार एज आई नो कि उन्होंने कश्मीर में 20 तो सिर्फ आपके सामने पता नहीं कितने मारे होंगे, क्योंकि उनका काम ये है। और वो कह रहे हैं जो हमारा टारगेट दहशतगर्द है उसको हमने नहीं छोड़ना। आप बर्तानिया की बात करें, अमेरिका की बात करें, कनाडा की बात करें, निजर को ठोका, पाकिस्तानी था ना, बिल्कुल ऐसे को ठोका, कश्मीरी, बिल्कुल ऐसे ही है। एक्चुअली यहाँ पे हम लोग सिर्फ रोटी कपड़ा मकान के पीछे पड़े हैं और हम ऐसे इश्यूज़ को नहीं सोच पा रहे, नहीं उन पर बात कर पा रहे हैं, ये बहुत गलत हो रहा है। और आई रियली थिंक एज ए पाकिस्तानी हमें इस बात को देखना चाहिए, इस पर बात करनी चाहिए, और द नेशन नीड्स टू नो, ये हमें सबको साथ होना चाहिए। और क्योंकि इंडिया इंटरनेशनल फोरम पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाकिस्तान की उस तरह बात नहीं सुनी जा सकती, क्योंकि हम इकोनॉमिकल क्राइसिस में हैं और इकोनॉमिकल क्राइसिस वाले मुल्क की कभी कोई इज्जत नहीं होती, कभी कोई बात नहीं सुनता, दैट्स द रीजन। हमारी बात बात ये नहीं कि आप इकोनॉमिकल क्राइसिस में हैं, बिल्कुल ये झूठी बात है, प्रोपेगेंडा है। ये नहीं कि आप क्राइसिस में नहीं है, ये है कि जो लोग इकोनॉमिक तरीके से कमजोर होते हैं उनकी बात नहीं सुनी जाती। बात आपकी इसलिए नहीं सुनी जाती है क्योंकि आप प्रोपेगेंडा करते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठा डेरा देते हैं इंटरनेशनल फोरम पे। आपने कश्मीर की बात की है, आपकी यूएन में रिप्रेजेंटेटिव थी मलिहा लोधी, यूएन जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पे, सीरियस प्लेटफॉर्म पे, वहां पर उन्होंने एक तस्वीर दिखाई एक लड़की की जिसके पैलेट गन से लगे हुए थे, चेहरे पर दाग थे, और कहा कि यह कश्मीर की लड़की है। एक घंटे के भीतर पूरा प्रोपेगेंडा सामने आ गया, झूठ पाकिस्तान का सामने आ गया। वो लड़की फिलिस्तीनी निकली, वो फोटो फिलिस्तीनी निकली। आप लोगों को लगता है कि आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अपना
प्रोपेगेंडा चला देंगे, झूठ चला देंगे और आप बच जाएंगे। आप एक्सपोज हो गए यूएन के प्लेटफॉर्म पर, जिसके बाद मलिया लोधी को उनकी नौकरी से निकाल दिया गया, बोला कि ये तो मोदी के साथ इसके संबंध बड़े करीबी हैं। आप समझ रहे हैं, आप ये काम करते हैं इसलिए लोग आप पर विश्वास नहीं करते। ना कनाडा अब तक निज्जर की हत्या में सबूत दे पाया है, ना अमेरिका पन्नू के प्लॉट के बारे में कोई सबूत दे पाया है, ना आप सबूत दे पाए हैं कि 20 लोगों को इंडियन एजेंसी ने मारा। अरे सबूत तो लाओ, बिना सबूत के हवा वाली बात है। मैं कहता हूं कि आपने मारा उन 20 को, क्या मेरे ऊपर कोई विश्वास करेगा? मुझे सबूत लाके देने पड़ेंगे ना। पाकिस्तान क्यों सबूत लेकर नहीं आता कि 20 को भारतीय एजेंट से मारा? आप दे ही नहीं सकते सबूत, क्योंकि झूठ है। इन लोगों को आपके यहां के लोगों ने मारा है, क्योंकि इन लोगों की वजह से आप FATF की ग्रे लिस्ट में थे और अब फिर दोबारा जाने की चर्चाएं चल रही हैं, इसलिए आप लोगों ने ये क्लीन किया अपना मामला सारा, क्योंकि वो आपके आउट ऑफ कंट्रोल थे, आपके कंट्रोल में नहीं थे वो लोग। ISI वालों ने मारा है, और अगर नहीं मारा है, मान लीजिए आप ये कह रहे हैं नहीं मारा होगा, अरे भाई तो आपकी तो लंबर वन एजेंसी है, एक के बाद एक 4 में 20 को मार दिया जाता है और आपकी एजेंसी क्या कर रही है लंबर वन? उसको नहीं पता चला, वो रोक नहीं पाई, तो हटाओ ऐसी एजेंसी को यार, जो 4 तक किलिंग्स होती रही और आपके नाक के नीचे होती रही, आपके शहरों में होती रही और आप रोक ही नहीं पाए, है ना कमाल की बात। सर सुनेगा कोई, हमने कश्मीर कश्मीर कहा, इंडिया ने अपनी सारी एनर्जी पूरी दुनिया को यह साबित करने में लगाई कि ये टेररिस्ट स्टेट है, टेररिस्ट। अब हम खुद टेररिज्म में पिस रहे हैं, मर रहे हैं, आज भी लोग कह रहे हैं टेररिस्ट स्टेट। देखिए इंडिया पहले मुजाहिदीन पे जुल्म करता है, जब वो जुल्म के खिलाफ आते हैं उनसे फाइट करते हैं, इंडिया उनको टेररिस्ट कह देता है। तो ये इंडिया का शुरू से ही काम चल रहा है और मैं इसके बहुत अगेंस्ट हूँ। आई रियली होप कि ये कभी कभी ठीक हो सके। सर इंडिया की पॉलिसी तो फिर ठीक है, जो मुजाहिदीन बलूचिस्तान में आजाद बलूचिस्तान मांग रहे हैं, फिर हम उसका सपोर्ट करना हमारा ठीक है ना। जैसे आप अभी कह रहे हैं, आप जो बलोच फाइटर्स, जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, उन पर जो आपकी सेना जुल्म ढा रही है, तो हम उसके खिलाफ उठ खड़े हों, तो ये ठीक बात है ना। फिर तो चीखेंगे चिल्लाएंगे नहीं ना आप। एक तरफा बात तो नहीं होगी, बात होगी दोतरफा। बलूचिस्तान पर कितने बिलियन डॉलर्स का बजट लगाया सर आपने? हमने तो पिछले साल भी 14 का बजट लगाया, इस साल भी 14 का बजट लगाया। आप बता दो, हमारी डेवलपमेंट तो दिख रही है, बलूचिस्तान में कितना डेवलप किया आपने बता दो आप। पॉलिसीज देखें तो वो मोस्टली फ्रेंडली पॉलिसी, जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे, वो दुश्मन नहीं बनाना। जी 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 जी, ये कहना है कि हमने पाकिस्तान के साथ भी बहुत एफर्ट्स किए हैं। आप मानते हैं इस चीज को कि दोनों ये जो दोनों कंट्रीज हैं, ये कहीं ना कहीं पे आपस में इनका मैच हो जाए? जी जी। अगर इस रिपोर्ट को इग्नोर कर दे, इंडिया ने इनकार कर दिया, चलो ठीक है हो गया, आप ये सोचे इंडिया इतना पावरफुल है कि वो अपने डीप स्टेट इतनी गहरी हो चुकी है, उनकी पावर देख लें कि वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो काम कर रहे हैं और कोई पकड़ भी नहीं पा रहा। देखें आप अभी देखें, जब रशिया के साथ अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई हैं यूक्रेन वॉर पे, तो इंडिया वाज द ओनली कंट्री जो रशिया से डायरेक्टली ले रहा था, जिस पे यूएसए ने कोई बात नहीं की है। जैसे ही पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर गया और प्राइम मिनिस्टर को ही दबा दिया गया, तो यहाँ से आप देख सकती हैं कि इंडिया और पाकिस्तान में कितना फर्क है। तो इंटरनेशनली अगर आप देखें तो वी आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ इंडिया। आई रियली होप कि ये कभी चेंज होगा। और सर ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम अमेरिका से भीख नहीं मांगते, हम अमेरिका के पास कटोरा लेकर नहीं जाते कि हमें कुछ बिलियन डॉलर दे दो, हम IMF के पास, अमेरिकी संस्था है उसके पास नहीं जाते कि हमें लोन चाहिए। भिखारियों को लोग दबाते ही हैं और भिखारियों को लोगों की बात माननी पड़ेगी जो उनको भीख देते हैं। हम नहीं भीख लेते, हम नहीं जाते अमेरिका के पास गिड़गिड़ाने कि हमें कुछ बिलियन डॉलर दे दो। इसलिए फर्क है औकात में, हमारी औकात बड़ी है, आपकी औकात छोटी है। और अगर मैं वैसे बात करूं, वी हैव द सेम कल्चर, वी शेयर ऑल सच थिंग्स। मैं जब पाकिस्तान से बाहर जाता हूं, इंडियन से मिलता हूं, तो वो बेइंतहा अच्छे लोग हैं और उनके साथ मिलके बहुत मज़ा आता है। और मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं जो इंस्टाग्राम पे भी हैं और सब, तो आई रियली होप कि कभी ठीक हो। जो लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं, सिर्फ पॉलिटिक्स का इशू है और कुछ नहीं है। मैम मान लिया, वो भी मानते हैं पॉलिटिक्स का इशू है, वो एक DNA और खून की कशिश है हम इंडियंस और पाकिस्तानी। जी 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 जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल, आप भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं हालात ठीक हो जाएं। लेकिन सर आपको लगता है क्या हम सही मानों में कोशिश कर रहे हैं?
नहीं मैम, मुझे लगता है ये ऊपर जब तक पॉलिटिशियंस इस पर नहीं बात करेंगे, इस पर नहीं आना चाहेंगे, काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा काम। तो हम नहीं सही तरह नहीं कर रहे हैं जिस तरह करना चाहिए। मैं तो नारा लगाते हैं इंडिया का मुकाबला करेंगे। नहीं नहीं, मेरे ख्याल में मुकाबला नहीं करना चाहिए, फ्रेंडली रिलेशनशिप होने चाहिए। ये रो और आईएसआई को एक दूसरे के बंदे मारने की बजाय ना, एक दूसरे के साथ बात करनी चाहिए जिससे आवाम का फायदा हो। वजीर आजम से देख ले, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर देख ले, इनका इस टाइम बड़ा सीरियस एटीट्यूड है टुवर्ड्स इंडिया कि भाई हमें तो ट्रेड करनी है क्योंकि हमने अपनी इकोनॉमी को आगे करना भी चाहिए। वाई नोट मैम, वाई नोट करना चाहिए, आपको बूस्ट मिलेगा। हम अब देखिए हमारी प्रोडक्शन है, अगर हम उसको ट्रेड नहीं करेंगे हम उसका करेंगे क्या? ये होना चाहिए, इससे हमारे किसानों को हर तरह से हमें फायदा होगा। ट्रेडिंग में ही तो मुल्क उठता है, ट्रेडिंग के बगैर कौन सा मुल्क उठता है? कोई मुल्क नहीं उठता। नफरत है जैसे अब 20 पाकिस्तानी, अब ये अंग्रेज भी तो फायदा उठाते हैं ना इंडिया पाकिस्तान को भड़का के। देखिए उनको होता है, वो इंटरनेशनल फोरम पे इसके बारे में बात करते हैं जिससे उनको पैसे मिलते हैं, वो पाउंड्स में डॉलर्स में कमाते हैं हमें लड़वा के। हमें लड़ना नहीं चाहिए। देखिए आई रियली वॉन्ट टू गो टू इंडिया वन डे, मेरे वहाँ पे दोस्त हैं जिनसे मैं मिलना चाहता हूँ, उनके पास जाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ वो यहाँ आएँ। तो आई रियली होप कि कुछ ऐसा हो जिससे दोनों मुल्क करीब आएँ और ये आपस में लड़ाइयाँ ख़त्म हो। कश्मीर का मसला अगर देखें तो अब तो बहुत ज्यादा सर खत्म ही हो गया इंडिया ने उसको, वो आर्टिकल 370 के बाद आप स्टेट बना दिया, इलेक्शंस होने वाले, पाकिस्तान तो कश्मीर को भूल जाए। अगर कश्मीर नहीं मिलता तो क्या पाकिस्तान के वजूद का कोई मकसद नहीं है? मैम देखिए मेरे लिए ना एक बात मैं हमेशा सोचता हूँ, इंडिया ने आर्टिकल 370 खत्म किया है, पाकिस्तान ने आज तक गिलगित और आजाद कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं माना। अभी तक उनके पास वो राइट्स नहीं है जो हमारे पास है। इवन तो एज ए पाकिस्तानी हमारे पास भी कोई राइट्स नहीं है, लेकिन जितने भी हमारे पास है उनके पास नहीं है दी। तो उनको हम एक फिफ्थ प्रोविंस क्यों नहीं बनाते हैं? वाई नॉट, क्यों नहीं? अगर हम उनको अपना पार्ट मानते हैं, हम मानते हैं कि वो पाकिस्तान का इंटेग्रल हिस्सा है, तो हम क्यों बात नहीं करते? अगर इंडिया आर्टिकल 370 खत्म कर सकता है, पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता? हम आज़ाद कश्मीर को और गिलगित बल्किस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा क्यों नहीं बनाते? तो ये तो मुझे आज तक समझ ही नहीं आ सकी है। जब हम खुद मैं समझाता हूँ सर, इंडिया तो चाहता है कि आप ऐसा करें, आप गिलगित बाल्टिस्तान को अपना सूबा बनाएं, आप पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर को अपना सूबा बनाएं। इंडिया तो ये चाहता है, और हमने 370 हटाया तो हमने ये इसीलिए किया कि बदले में पाकिस्तान भी ऐसा कुछ करे। करे तो सही, क्योंकि जैसे ही आपने ये किया वैसे ही आपका कश्मीर कॉज जो भी 1% बचा है वो भी खत्म हो जाएगा। आप क्या कहते हैं, कश्मीर आजाद करो कश्मीर को? तो जब आप उसको अपना सूबा बना लेंगे तो आप किस मुंह से कहेंगे कि उधर के कश्मीर को आजाद करो? इंडिया ने ऐसा कूटनीति में फंसाया ना गुरु, आप लोगों को आइडिया नहीं है। कश्मीर पर आप बुरी तरह फंस चुके हैं, ना आपसे उगलते बन रहा है ना आपसे निगलते बन रहा है। और मैं तो चैलेंज करता हूं, आप पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर जिसे आप सो कॉल्ड आजाद कश्मीर कहते हैं, आप एक बार उसको सूबा बनाकर दिखा दीजिए, आप गिलगित बाल्टिस्तान को सूबा बनाकर दिखा दीजिए, मजा ही आ जाएगा। हम तो चाहते हैं कि ऐसा हो। ये बड़े ऊंचे लेवल की बात है सर, आप लोगों को समझ में नहीं आएगी। हिंट दिया है मैंने समझाने के लिए, समझ जाइए। तो खुद ही उनको दूर करते हैं, फिर हम उनके लिए आवाज उठाते हैं। हाँ। सिर्फ आवाज ही उठाते हैं, हम करते क्या, कुछ भी नहीं करते। ये वही बात होगी कि बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान को गवर्नमेंट करने नहीं दी, इंडिया ने आके वो जो है जंग उन्हें जितवाई, अलग कर दिया। हमने कहा इंडिया का कसूर है, हमने अपना कसूर नहीं देखा। आज गिलगित बल्तिस्तान कहता है कारगिल स्कर्दू खोल दो, अगर इंडिया थोड़ी सी फेवर दे देता तो वो तो जाएंगे। बिल्कुल, यही कहता था यार कि हम वी लव पाकिस्तान, लेकिन हम हाफ पाकिस्तानी है, हम पूरे पाकिस्तानी नहीं है, क्योंकि हमें राइट्स ही नहीं है हमारे पास। किताबों में गिलगित बल्तिस्तान के बारे में इतना कुछ पढ़ाया भी नहीं जाता। क्यों नहीं मैम, क्यों नहीं? हमारे पास चार सूबे क्यों हैं? क्यों चार सूबे, पांचवा सूबा क्यों नहीं है? आई डोंट नो, मुझे नहीं समझ। जो हमारी आर्मी है वो खुद भी डमी है, वो खुद भी कंट्रोल्ड बाय अमेरिका, जो मैं साफ कहूँगा। अच्छा। ठीक है, अब ये जो कश्मीर का टॉपिक है और ये जो सारा भाई ने सारा जिक्र किया है, बड़ा अच्छा डिस्क्राइब किया जो चीज़ें, उस पर मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूँ कि ये दुकानदारी है इनकी देसी लफ्ज़ों में। ये पाकिस्तानी फ़ौज ने भी और इंडियन, लेकिन अब मैं इंडिया के काफ़ी यूट्यूब चैनल्स को फॉलो करता हूँ, उनके व्लॉग देखता हूँ, उन्होंने अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, जिसको ये कहते हैं ना सड़कें बना दी, पुल बना दिए, उन्होंने लिटरली जो ट्रेन दिल्ली से आगे श्रीनगर और आगे कश्मीर तक, जो उन्होंने आगे जो उनका एक इलाका है जिसपे चाइना ने भी कब्ज़ा किया था, क्या नाम है उसका, लद्दाख तक उन्होंने अब ट्रेन चला रहे हैं, और अब बुलेट ट्रेन चला रहे हैं। हमारा मुल्क कहाँ खड़ा हुआ? हमारे मुल्क में ये ऑरेंज लाइन ट्रेन बना दी, ये बना दी है, ये चीज़ें, इन चीज़ों से मुल्क तरक्की नहीं करते। आई वॉन्ट टू एड वन मोर थिंग, पाकिस्तान का सबसे बड़ा अगर आप देखें बिजनेस क्या है तो रियल इस्टेट का है, इंडिया का क्या, आई टी।
तो अगर आप कंपेयर करें तो वी आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ देम, टोटली नथिंग. तो मैं तो इसी चीज़ पे हूँ, इकोनॉमी उठाएंगे तभी हमारी कोई औकात बनेगी, IMF से कर्जे लेने छोड़ेंगे तभी हम कुछ बात कर सकेंगे, तभी हम किसी के सामने भी मुल्क में बात करेंगे. इंडिया ने पाकिस्तान की तरफ तवज्जो देनी छोड़ दिया. वो कहता है भाई ये अपने आप में लड़ लुड़ के मर जाएंगे, ठीक है, और वही हो रहा है. ये आर्मी अपना अगर काम ईमानदारी से करती ना आज हमारा बांग्लादेश बनता ना टूटता, और जो कश्मीर का और गिलगित का और आज़ाद कश्मीर का हाल है वो ये ना होता. हमारी एक स्टेट दुनिया में एक अच्छी रिकॉग्नाइज होती, और पाकिस्तान में किसी चीज़ की कमी नहीं है, ना टैलेंट की कमी है, ना कुदरती वसाइल की कमी है, ना जो कुदरती जो जो ये हर चीज़ से माला माल है. अगर यहाँ पर इंडिया में लीडरशिप की बात करें, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी या मोदी साहब की लीडरशिप है, पाकिस्तान डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनकी लीडरशिप से इन्फ्लुएंस्ड है, ठीक है. हाँ. एंड पर मैं एक चीज कहूंगा, अभी मैंने आपसे बात करनी है, रुके. एक चीज मैं ऐड कर दूं, मैं भूल जाऊंगा. इंडिया की जो गवर्नमेंट है ना, करप्शन हर जगह है, पूरी दुनिया में, लेकिन जो इंडिया की करप्शन है ना, वो अपने मुल्क का ज़मीर का सौदा नहीं करते, अपने मुल्क को नहीं बेचते. अच्छा? हमारे यहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं, जो यहाँ के हमारे ऊपर जो आर्मी ऑफिशियल वगैरह, ये लोग अपने ज़मीर, अपने मुल्क, कौम को बेच के बाहर के मुल्कों में जज़ीरे ख़रीद लेते हैं. कहीं किसी ने जर्मनी सेटल कर लिया, किसी ने दूसरे दुनिया के यूरोप अमेरिका वगैरह में वो सेटल डाउन हो गए, उनकी नस्लें सवार दी, अब यहाँ पर आवाम धक्के खा रही है. तो इंडिया में क्या ऐसे नहीं होता? इंडिया में भी होता होगा. इंडिया उनके तमाम आर्मी चीफ इंडिया के अंदर ही हैं. इंडिया के आर्मी चीफ, वही मैं बताने लगा, इंडिया के जो आर्मी चीफ्स की आप हिस्ट्री अगर निकाल कर देख लें, तो उनका आपको पता है इस टाइम उनके आर्मी चीफ का क्या नाम है? नहीं, मुझे नहीं पता. मुझे भी वो लाइमलाइट में आते ही नहीं. वो लाइमलाइट में आते ही उनका कोई काम ही नहीं है. उनका चौकीदार की ड्यूटी होती है बाहर चौकीदारी करना. ये दुकानें हैं, इनके इधर मालिक हैं करोड़ों अरबों रुपए के, उनके चौकीदार बाहर बंदूक लेके बैठे हुए, ठीक है. अब जो अंदर जो काम हो रहा है वो पॉलिटिशियन. आप अपनी सेना को चौकीदार समझते होंगे, हम अपनी सेना को चौकीदार नहीं समझते. हमारी सेना चौकीदारी नहीं करती, हमारी सेना एक प्रोफेशनल वर्कफोर्स है जो अपने ड्यूटी को प्रोफेशनली निभा रही है, जिसके लिए उन्हें ट्रेंड किया जाता है. आपकी फौज जिस चीज के लिए ट्रेंड की जाती है वही काम करती है, जैसे पापा जोंस चलाना, जैसे उधर वजीरिस्तान में शायद 50,000 एकड़ जमीन पर खेती करना, इधर शायद सिंध में या पता नहीं कहां इसने भी 30,000-32,000 एकड़ जमीन हथिया ली है फौज ने खेती करने. क्यों? उनके अपने बंदे भूखे नहीं मरने चाहिए, जनता भूखे मरती रहे. आप मुझे बता दो कौन से देश की फौज खेती करती है भाई, कौन से देश की फौज पाकिस्तान छोड़कर. लेकिन इस पर आप सवाल नहीं पूछेंगे. आपकी फौज के रियल एस्टेट के बिजनेस हैं, आपकी फौज के कारों के शोरूम हैं, पॉलिटिशियंस का होता है, सियासतदानों का होता है, अवामी जो नुमाइंदे होते हैं जिनको अवामी वोट देती है. हमारे तो वोटों के साथ वैसे ही धोखा हुआ है. हमारे वोट कौन से, हमारे पास एक पावर थी वोट देने की, हमारे वोट की जो एक हमारे पास पावर थी जो हम दे सकते थे वो हमने दे दी, और उसके साथ भी बददियानती की है. उसके साथ तो खैर जो भी मामला हमारा आखिर दुनिया के सामने. सर अब ये जो 20 पाकिस्तानी की किलिंग यूके कह रहा है कि इंडिया ने कराई, आपको क्या लगता है कि खित्ते के अमन को बर्बाद करने की अंग्रेजों की तरफ से कोशिश नहीं है? वो तो शायला ये चीज आपने गलत बोली. यूके ने कहा है, यूके ने नहीं कहा है, यूके ने कहा है का मतलब होता है कि यूके की गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्टेटमेंट आती, यूके के गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई है. ये यूके के एक पेपर का दावा है, यूके के एक न्यूज पेपर का दावा है. आप इसको बता रही है कि यूके की तरफ से कहा गया है. देखिए निज्जर के मामले में जो कहा गया वो कनाडा की तरफ से कहा गया क्योंकि ट्रूडो का बयान था. पुन्नू के मामले में अमेरिका के विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान है तो अमेरिका ने कहा है. ये ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय से या ब्रिटेन की तरफ से कोई बयान नहीं आया, तो ब्रिटेन की तरफ से नहीं कहा गया है. ये सुधारिए इसको, ऐसे ऐसे नहीं बोलना चाहिए.
वो तो उनकी तो साजिश ही ये है। ये आप अगर इसकी ग्राउंड रियलिटी में जाए ना, ये जो 20 पाकिस्तानी ये जो कह रहे हैं जी पाकिस्तान ने इनको मारा है, ये जो एजेंट्स थे, ये बेसिकली काफर और इस्लाम और कुफर का जो है ना ये तनाज़ है जो हिस्ट्री से चलता आ रहा है। वो काफर चाहते ही हैं कि मुसलमानों को, पाकिस्तान मुसलमान मुल्क है बेसिकली तो, और वो यही चाहते हैं कि मुसलमानों को पावर में ना आने दिया जाए। इंडिया की तरफ क्यों नहीं है, वो तो हिंदू हैं, वो तो काफिर हैं, उनको उनकी कोई टेंशन नहीं है। वो पाकिस्तान, चलो जितने भी मुसलमान हैं किसी हद तक तो हम हैं ना। चले मुसलमान और काफिर, ये जो वर्ड है ये अरबिक है, अरबी में काफिर नॉन मुस्लिम को कहा जाता है और इस्लाम वाले को मुसलमान कहा। सर हमने हमेशा पूरी दुनिया को मजहबी लेंस से देखा, दुनिया इकोनॉमी पे फोकस करी है, दुनिया इंटरनेट, हम आज भी बहत्तर हूरे जन्नत काफिर मुसलमान क्यों पढ़ते हैं? उससे आगे आ जाए ठीक है। अब अफगानिस्तान को देख लें, अफगानिस्तान आज 2-2.5 साल पहले आजाद हुआ है, वो पाकिस्तान से ऊपर जा रहा है। इकोनॉमी की बात कर रही है ना आप, तो वो इकोनॉमी में उससे ऊपर जा रहा है, क्यों जा रहा है? वहाँ पर वो अब एक अपना सिस्टम बना रहे हैं, उसको इंडिया भी तो सपोर्ट कर रहे हैं। जिस मुल्क को इंडिया सपोर्ट करता है उसकी इकोनॉमी बेहतर हो जाती है। तो फिर ये बात वही है ना जो भाई ने की थी कि आप अपने बॉर्डर्स ख़त्म करें, अपने आप में बात करें, डिबेट करें, डायलॉग करें, डायलॉग करके मामला को तय करें। और अपनी ये जो आप लोगों ने बाउंड्रीज बनाई हुई हैं कि आप ट्रेड नहीं करते, अब इंडिया में वही चीज़ पाकिस्तान के मुकाबले में 4-5 गुना उसका रेट कम है, और पाकिस्तान में वो रेट कहाँ से कहाँ है? कोई भी चीज़ आप गाड़ी उठा, इतना बड़ा मुल्क स्टेबल हो गया, छोटा सा मुल्क स्टेबल नहीं है। वो इसलिए ना इनकी आपस में वो एक दूसरे को टिकने ही नहीं देते हैं। जो ऊपर हमारे बैठे हुए हैं वो मुदाखलत कर करके वो बेड़ा गर्क कर देते हैं। आज तक पाकिस्तान में कोई एक गवर्नमेंट पूरी की है हुकूमत? किसी ने भी नहीं की, ना करनी है जब तक ये चौकीदार अपनी चौकीदारी छोड़ के अंदर के कामों में दखल अंदाजी से नहीं बाज आएंगे, ये तब तक कोई भी मामला हल नहीं होना। फिर यूके उठ के कुछ कह दे, अमेरिका कुछ कह दे, वो तो उनको पिट्ठू हैं, उनको तो डॉलर चाहिए, उनको तो डॉलरों से कर्ज है, उनको तो IMF से कर्जा चाहिए, वो कर्जा लेते हैं, हमारे पे तो नहीं लगता, खुद ही खा पी जाते हैं, उसी कर्जे से वो अपना पैसे से असला खरीद के पाकिस्तानी अवाम के ऊपर वो तानते हैं, जो हशर हो रहा है हमारी अवाम का। सर आपको क्या लगता है हमारे ताल्लुकात इंडिया से अच्छे होंगे? अब ये तो 20 किलिंग वाली मसला आ गया, कोई इंटरेस्ट नहीं है हमारे साथ, नहीं कोई इंटरेस्ट नहीं है इंडिया को, कोई हमारी जरूरत नहीं है, हमें इंडिया की जरूरत है इकोनॉमी वाइज ठीक है। अब हमारे हजूर पास वसल्लम ने भी ये तजारत काफिरों से भी की है, उन्होंने नॉन मुस्लिम से भी उन्होंने तजारत की है, यहूदियों से भी किया या ईसाइयों से भी किया, लेकिन उन्होंने तजारत किया, बिजनेस किया, बिजनेस पे कोई रोक टोक नहीं। बाकी जो मामला था आपका दीन अपना, उनका अपना है, उन्होंने भाई तो काम करो ना आप, बाकी नॉन मुस्लिम के साथ करो ना तजारत, हमें बख्श दो, हमें नहीं करनी है आपके साथ कोई तजारत, कोई बिजनेस, कोई संबंध नहीं रखना, कोई रिलेशन नहीं रखना, कोई बातचीत नहीं रखनी। आप अपना देखिए, हमें हमारा देखने दीजिए। अब समझ में आ रहा है कि फटी पड़ी है तो जैसे ही थोड़े ठीक हो जाओगे तो चालू हो जाएगा आपका काम। हम समझ चुके हैं सर 76 ईयर्स में, अब नहीं करनी कोई दोस्ती, नहीं करना कोई आना जाना, रिलीजन का रिस्पेक्ट वो अपने, वो आप अपनी रिस्पेक्ट करो। वो तो कहते हैं आप किसी के खुदाओं को बुरा ना, तो ये बात आ जाती है आपको इंडिया के साथ ट्रेड करने में क्या मसला है? आप इंडिया के साथ ट्रेड करो, इंडिया के साथ जो हो गया जी तो कर रहे हैं। अब यूके कूद गया अंदर ना, मतलब हम दोनों दो मुल्कों के, इंडिया और पाकिस्तान को अंग्रेज भी तो करीब नहीं ना लाने दे रहे। आप ये देखें ना, आपकी कोई आजादाना पॉलिसी नहीं है। अब ईरान गैस पाइपलाइन कहाँ गई? ईरान के साथ जो गैस पाइपलाइन का मुआहिदा था, अमेरिका कहता है कि अमेरिका अब्बा जी आ जाते हैं बीच में, तो वो फिर अमेरिका यूके ये सारे अब्बे बने हुए हैं ना पाकिस्तान के, इनसे पहले अपने आप को आजाद करो। इंडिया कितना स्ट्रॉन्ग था, सबसे आगे निकल गया तो आजाद, इंडिया तो शुरू से आजाद है, सही मायनों में तो इंडिया आजाद हुआ, और उसके बाद बांग्लादेश आजाद हुआ, और तीसरे नंबर पे अफगानिस्तान हमारी होश में। कहा गए जिन्होंने ख्वाब देखा 23 मार्च को इधर पहाड़ बनाया, हम बस न मिली नगमे हमें मिलते हैं हर साल, नया मिली नगमा मिल जाता है हमें, नए से नए तराने मिल जाते हैं, जो लोग डेडिकेटेड नहीं होते उनको तमगे दे दिए जाते हैं। हमारे साथ ये हो रहा है, जिस जो आके जूतियां चाटेगा, बूट चाटेगा, उसको वो उठा देंगे बस, और उनको जो जहां कहेगा उसको जजीरा मिल जाएगा, उसको बाहर महल मिल जाएंगे, अपार्टमेंट्स मिल जाएंगे, डॉलर बिलियंस ऑफ डॉलर उनके खजानों में चले जाएंगे, अवाम भूखी नंगी, एंड पे तो अवाम का बेड़ा गर्क है ना। चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं बिल्कुल। अब ये अवाम समझे ना कि एट द एंड पिस्ता कौन है? आम आवाम पिसती है। आपके फौजियों को सब्जी की कीमतों में अगर 2000 रुपए किलो हो जाए तो आपकी फौज को कोई फर्क नहीं पड़ता। पेट्रोल 2000 रुपए लीटर हो जाए, आपकी फौज को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको सब मिल रहा है।
फर्क किसे पड़ता है? फर्क आप लोगों को पड़ता है, न फौज को फर्क पड़ता है, ना नेताओं को फर्क पड़ता है, फर्क आम लोगों को पड़ता है, क्योंकि कमाते भी वही हैं, टैक्स देते हैं, तो उसका इस्तेमाल फौजी और नेता दोनों करते हैं, और आप लोग मरते हैं। तो बैठे रहिए घर के अंदर, अरे घर से बाहर निकलो, बवाल करो, विरोध करो, प्रोटेस्ट करो और अपना हक मांगो। लेकिन आप लोग तो बड़े बेशरम हैं यार, जिसको वोट देकर आपने पीएम बनाना चाहा, वो बेचारा जेल में सड़ रहा है और आप लोग बस समझ लीजिए अच्छा वोट दे दिया था, नहीं बना कोई बात नहीं जी चलो। तो आप जैसे बेगैरती लोग तो कोई हो ही नहीं सकता ना कोई, कि जहां पर आपका वोट भी आपसे छीन लिया गया वहां पर अब भी आप लोग घर के अंदर बैठे। बाकी भारत पर तो सवाल उठाते ही नहीं। रही बात 20 लोगों के मारे जाने की, तो देखिए भारत का इसमें कोई रोल नहीं, भारत का ये कोई मतलब नहीं है। भारत अपने पैरों को कुल्हाड़ी पर नहीं मारेगा, भारत की इकोनॉमी ग्रो हो रही है, भारत कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे उस पर दाग लगे, जिससे उसकी बदनामी हो, जिससे उसकी छवि खराब हो और उसका असर पड़ेगा हमारे बिजनेस पे, हमारी इकोनॉमी पे। हम क्यों चाहेंगे ऐसा अपने आप को बर्बाद करना ये काम करके? ये काम आप लोगों ने खुद किया है, क्योंकि आपने एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में नहीं जाना है दोबारा, और एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में जाने के लिए वो सारी वजहें थी ये जो 20 लोग मारे गए हैं। आप बस एक पॉइंट सोचिए और मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपकी एजेंसी इतनी शानदार है और उसकी नाक के नीचे आके 20 लोगों को 4 साल तक ये कत्लेआम चलता रहा, कैसे? या तो आपकी नंबर वन एजेंसी नकारा है, झूठ बोला गया है आपके बारे में तो ये मान लीजिए, कि दूसरी एजेंसीज आती हैं और लगातार, ये नहीं कि एक घटना हो गई चलो उसके बाद देख लिया जाएगा, लगातार ऐसे कैसे हो सकता है? और नहीं तो ये आपकी एजेंसी का ही काम है। इससे दो तरह के शिकार हो गए, एक आपने भारत को आरोप भी लगा दिया भारत पर, और दूसरा आपने अपना पूरा पीछे का जो काली चीजें थी वो साफ कर दी। अब एफएटीएफ में तो ये गया ना कि भैया नहीं अब ये लोग नहीं है भाई, आतंकवादी अब नहीं है यहां पर, तो दोनों काम हो गए ना आपके। तो ये आपके काम एजेंसी ने आपके करवाया। और क्योंकि लोग कभी भरोसा नहीं करेंगे कि हमारी एजेंसी हमारे घर में लोगों को मरवा रही है, तो आप उससे बचे भी रहेंगे। अरे हमारी क्या जरूरत है, हम अपनी अच्छी भली चलती इकोनॉमी को छोड़कर हम जाएंगे ये सारे काम करने? ये सब अमेरिकी प्रेशर की वजह से हुआ है। अमेरिका भी नहीं चाहता ना भारत को बढ़ता हुआ नहीं देख सकता, वो उसकी तो मजबूरी है चाइना के चक्कर में, लेकिन वो दूसरे तरीके अपना रहा है हमें डाउनग्रेड करने के। पहले उसने कनाडा से करवाया, ट्रूडो फंस गया अमेरिका के चक्कर में, आज तक सबूत ना दे पाया निजर में। अमेरिका ने खुद पन्नू की वाले मामले में किया, अभी तक कोई कोर्ट में मामला चल रहा है, कोई साबित नहीं हुआ। और अब इसने ब्रिटिश न्यूज़पेपर का सहारा लेकर ऐसा करने की कोशिश की पाकिस्तान की तरफ से, ये भी साबित नहीं होगा। ये प्रेशर टैक्टिक्स है और भारत इनसे निपटना बहुत अच्छी तरह जानता है, यकीन मानिए। आप देखिएगा ट्रूडो औकात पर आ गया ना, अमेरिका भी आएगा और पाकिस्तान को तो कर कोई औकात ही नहीं है पाकिस्तान को भी साथ नहीं। अगर ये डंके की चोट पर मैं कहता हूं अगर भारत ने ये हत्याएं कराई हैं, आप साबित कर दो यूएन पर, इंटरनेशनल फोरम्स पर, और भारत को आप नंगा कर दो, भारत पर आप सैंक्शंस लगवा दो सबूत देकर। अगर कोई पाकिस्तानी आईएसआई का बंदा मुझे सुन रहा है, मैं तो ओपन चैलेंज करता हूं तुमको, साबित क्यों नहीं करते? ये तो अच्छा मौका है भारत को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर घसीट कर लाने का, इस मौके का फायदा उठाओ, सबूत दो, भारत पर सैंक्शंस लगवाओ, भारत को एफएटीएफ की लिस्ट में शामिल करवाओ। ये तो अच्छा मौका है ना, क्यों नहीं करवाते? तुम्हें पता है कि करवाओगे तो तुम खुद फंसोगे, इसलिए बस हवा हवाई बातें माहौल बनवा रहे हो। खैर आप लोग कमेंट करके बताएं आपका क्या कहना है। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जी दोस्तों वीडियो होगी खत्म। ये गार्डियन की रिपोर्ट थी, इस पर लोकसभा ने वाकई एक डिफेंस स्ट्रेटजी का वीडियो बनाई थी, उस पर उन्होंने बताया था कि ये वही सेम बातें हैं जो पाकिस्तान का सोशल मीडिया या पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया या पाकिस्तान की तरफ से एक्सप्लेनेशन दी जाती हैं, बातें बताई जाती हैं। अपनी तरफ से गार्जियन ने कोई प्रूफ, कोई लिंक, कोई इस तरह की चीज़ें नहीं बताई। तो आज भी वो लोग सर वही बात कर रहे थे कि ये रिपोर्ट उन्होंने शाया कर दी, लेकिन ना कोई लिंक, ना कोई सबूत, ना कोई प्रूफ, ना कुछ भी नहीं दिया, उसको एज इट पब्लिश कर दिया। अच्छा चलें एक सेकंड के लिए मार भी लें, तो इंडिया घुस कर नहीं मार रहा,
कुछ कर नहीं पाया। नया डायलॉग बोलना चाहिए, ये तो बहुत पुराना हो चुका है। हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है, ये बात मैं मानता हूँ कि जो इंडिया के खिलाफ बोलते हैं ना, जो बात सच है ना वो बोलनी चाहिए, जो इंडिया के खिलाफ बोलते हैं ना वो मारे जा रहे हैं। भाई पीठ पीछे वार करने वाली सीधी बात करो ना, क्यों बात है पीठ पीछे वार कर रहे हैं, छुरा खबो रहे हैं, सीधे आके फाइट करो तो हम भी देखें कि हमारी मिलिट्री कितने जो है ना पावरफुल है। हम तो अपना जोर देखना चाहते हैं, आपकी बात नहीं, आपकी पाकिस्तान मिलिट्री का। इंडिया के अंदर कितने टेररिस्ट एंट्रीज हैं? पूरा मणिपुर क्या वो टेररिस्ट है? तो वो क्या है, वो टेररिस्ट है मणिपुर में? एक मिनट, जो पूरी एक उनकी आर्मी बनी हुई थी, वो उनका क्या काम था? वो टेररिस्ट है। तो अब ये जरूरी नहीं कि यूएनओ के मुताबिक ही टेररिस्ट हो, यूएस डिक्लेयर करना तो फिर ही यूएनओ के मुताबिक जो है। यूएनओ है क्या? बिल्कुल वाकिंग है वो। इजराइल इतने अटैक कर रहा है, चलो हमारे ने एक अटैक, यूएनओ नहीं है, यूएनओ नहीं है यार। एक सेकंड, आपका पापा यूएस से तो है ना, उसने तो भी कहा होगा, अब इस पर बोलो तो वो कौन है? वो खुद दूध का धुला हुआ जिसकी आप बात कर रहे हो, पाकिस्तान का पापा ऐसे जो है वो खुद दूध का धुला हुआ है, क्या कर रहा है? बड़ा पापा इस बोर्ड दे रहा है, बड़ा पापा यूएस है, छोटा पापा चाइना, पाकिस्तान के दो बड़े मेन पापा यही है, तो उनमें आप भी शामिल होते हैं। मैं कह रहा हूँ, मैं भी कह रहा हूँ, बड़ा पापा हमारा, मैं पाकिस्तान की बात है उसको, मैं भी शामिल हूँ, तो पापा है उनका, शर्मिंदगी वाली बात है। नहीं तो वो कौन खुद दूध का धुला हुआ है? वो खुद पाक साफ है, यूएस है जो खुद इसराइल को सपोर्ट कर रहा है पूरी तरह से, बिल्कुल भी नहीं। ईरान, इराक में उसने क्या किया, अफगानिस्तान में उसने क्या किया? यार क्वेश्चन ये है मेरा कि यूएनओ के नहीं, आप कभी इंडिया में बात करते हो, कभी यूएसए की बात करते हो। अच्छा ठीक है, यूएनओ कुछ नहीं है तो कश्मीर पर फिर क्यों पाकिस्तानी बोलते हैं कि यूएनओ की रेजुलेशन के मुताबिक हमारी कश्मीर होना चाहिए? तो इसलिए बोलते हैं, उनको पता है अगर सालों से आज तक इस मुद्दे पे कोई अमल पैरा नहीं हुआ नहीं ना, तो फिर ये क्यों करते हैं? कहीं से भी पकड़ लो, जहां पे उनको लिताड़ता हूँ, गलत कहता हूँ कि उन्होंने बिल्कुल गलत कहा। यार पाकिस्तानी को कोई भी सबूत दे दो ना, बस अगर पाकिस्तान के आर्मी चीफ का सबूत दे दो, यार पाकिस्तान आर्मी चीफ खुद मारे हमारे टैंक को जो है ना, मैं डीजल नहीं है ना, ये तो खोता है, ये इसको क्या अकल है, इसको क्या पता है, जो खुद आर्मी चीफ रह गया। पाकिस्तान अवाम एक ऐसी अवाम है जो एक एक पर्दे नहीं हजारों पर्दों के पीछे है, मतलब इनके मुंह पर ना, इनके मुंह पर एक चेहरा नहीं को 50,000 खुद जितने लेके पैसे क्या है उससे, फिर उसके टैंकों के पल्ले क्या रहना था, उनमें डीजल करवाने का पैसे थे, जो टैंकों में ऑयल था वो निकाल कर बेच कर चला गया, इसलिए कहा होगा कि तेल खत्म हो सकता है। पाकिस्तानी उससे कुछ भी तवक्को की, जैसे पाकिस्तानी है उससे कुछ भी तवक्को की जा सकती है। ये भी तवक्को करो कि जो पाकिस्तानी बोले ये भी सच है कि वो बिल्कुल ही गधा, पाकिस्तानी है जर्नल है, उससे कुछ भी तवक्को की, शक्ल भी गधों जैसी थी और खुद भी गधा था जब से रिटायर हुआ एक और पठान ने नहीं कहा उसको पेरिस में जब। अच्छा चले बातें अगर आप मलीहा लोधी की लोकसभा बात की, जो पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेटिव थी यूएनओ के अंदर, उसने एक तस्वीर यूएनओ के अंदर दिखाई थी कि ये कश्मीरी, अपनी तरफ से ये क्लेम किया था मलीहा लोधी ने कि ये कश्मीरी लड़की है जिसको मतलब वो बैलेट कैंस लगी हैं, तो उसका चेहरा था वो लोकसभा, एक घंटे के अंदर दुनिया ने उसका सारा प्रॉपर, मतलब बात ये हो रही थी कि पाकिस्तान की इज्जत लोग क्यों नहीं करते, तो पाकिस्तान बोलते हैं कि इंडिया की इज्जत, एक मिनट एक सेकंड, असली में इंडिया की इज्जत पाकिस्तान बोल रहे थे कि इंडिया की इज्जत इसलिए है कि इंडिया के पास पैसा, गलत है, सिर्फ पैसा नहीं सब कुछ होता। लोग सर ने यह फिर साबित किया कि आपकी इज्जत इस वजह से नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं है, आपकी इज्जत इस वजह से कम है क्योंकि आप झूठ बोलते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं। उन्होंने फिर सबूत दिया, उन्होंने कहा मलीहा लोधी आपकी कश्मीर पर रिप्रेजेंटेटिव थी यूएनओ के अंदर, उन्होंने एक बच्ची की तस्वीर शाया की, वो बच्ची फलस्तीन की थी लेकिन उसको क्लेम किया कि यह कश्मीर की है, तो इस वजह से आपके पूरे कंट्री के ऊपर थू थू शुरू हो गई, ये तो आपकी क्रेडिबिलिटी अच्छा, है। देखें कि जो कश्मीर में वो दिखाई होगी होगी ठीक है, फेक होगी, देखें कि उसने इंडिया का शो कश्मीर भाई होगा, फलस्तीन की दिखाई बात पता क्या है, इस बात में मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि ये जो पाकिस्तान है ना बिल्कुल झूठ बोलता है, हकीकत बात, और स्पेशली जो कश्मीर का मुद्दा है उसमें तो 100% बोलता है। अच्छा फिर एक भाई ने बोला कि जिस तरह इंडिया ने 370 खत्म करके
जो कश्मीर है इंडिया में जम कर दिया है, इसी तरह पाकिस्तान क्यों नहीं करता कि ये सारे आर्टिकल ख़त्म करे, कश्मीर को अपने अंदर जम करे। बात बड़ी अच्छा बात, इस पर मैं लोक सर की बात सुनी है, उन्होंने कहा हम तो चाहते हैं ऐसा हो, लोक सर बोले वाकई में अब देखे इंडिया पाकिस्तान अगर कश्मीर अपने अंदर जम कर लेता है, पाकिस्तान का हिस्सा वो बन जाता है, तो वो तो जो सारा मामला कश्मीर वह तो ख़त्म हो गया। पाकिस्तान का मुद्दा यही ना कि उसको एक अलग टेरिटरी बनाया जाए, उनके उसमें पलाबी सड़ गया, तो इंडिया ये चाहता है कि पाकिस्तान बनाए तो वो पाकिस्तान का केस ही उड़ जाएगा। इंडिया तो चाहता है, लड़के पाकिस्तान चाहते हैं, लेकिन इंडिया भी यही चाहता है कि ये सारा फिर चौकीदार पर बांधा क्या कि हमारे आर्मी चीफ या हमारी आर्मी चौकीदार नहीं है। वो बार बार चौकीदार कह रहे थे हमारा चौकीदार नहीं ठीक, हमारा चौकीदार नहीं ठीक, तो उन्होंने कहा इंडिया के चौकीदार ठीक है। उन्होंने कहा कि आप चौकीदार समझते होंगे अपनी फौज को, लोग सबने कहा हम नहीं समझते। उनके ठीक है ना भाई, हमारे चौकीदार, अच्छा हमारे चौकीदार इसलिए क्योंकि वो जमीनें खाते हैं, 52,000 कहीं 41,000 और कहीं 52,000 एकड़ जमीन सिंध के अंदर, वो लोग सबसे ज्यादा जमीनें इनकी होती हैं हमारे यहाँ। आपने बात की ना जी, देखें कि दिल को थोड़ा सा फील अच्छा फील नहीं हुआ, आपने कहा कि चौकीदार चौकीदार बार बार कर, मैं हकीकत भी उससे लहद बात कर रहा हूँ, जो हकीकत है देखें कि आज भी हम आर्मी से वहाँ पर, मैं अपनी बात करूँ तो मैं तो भी करता हूँ, सिर्फ उन चंद एक जो बड़े जो जर्नल्स हैं, बड़े जो अहदे पर हैं, उनको छोड़ कर उनसे भी करेंगे अगर वो अपने डोमेन में आ जाएँ तो, अगर आ जाए तो एक मिनट बाद में जिक्र कर लें तो आप चले देखें कि हमारे पास कल एक भाई आया फौजी, हमारा सोल्जर था आया कि नहीं यहाँ पर, आया था, आया था। यकीन जाने मेरे दिल में था कि यार देखें किस आर्मी ने हमारे मुल्क के साथ किया। हम तो कल वीडियो नहीं बना रहे, ये भी वजह थी कि उसके साथ हमारी डिस्कशन शुरू हो गई, हमने उसको फोर्स हालांकि काफी मरतबा किया था, मतलब नहीं बात सुन, हमने कहा था कि यार आप हमारे साथ एक सेशन करें, तो उसके अंदर भी वही चीज है उसकी नौकरी, नहीं नहीं उसको छोड़े एक मिनट, लेकिन वो जब दरवाजे से इंटर हुआ है ना जहाँ पर हम बैठे हुए हैं, तो यकीन करे ये उसकी मजाज से नहीं, मैं एक फौजी से मिला हूँ, गले उठ कर मिला हूँ, उसको सल्यूट करके मेरी बात सुने, नहीं उसने बार बार कहा चौकीदार नहीं भाई, इनको हम कभी जो है ना दिल से लगा कर रखते थे, लेकिन आज यही वो लोग हैं। अलोक सर ने ये बोला है कौन सा मुल्क, अलोक सर ने मेरी बात सुन, तुम मेरी बात सुनो, अलोक सर ने अपनी तरफ से बड़ा कह दिया कि हम अपने चौकीदार नहीं समझे, तो सही कहते हैं। देखिए तुम मिलिट्री का क्या काम होता है, क्या काम होता है सिक्योरिटी का ही होता है ना, चौकीदार क्या काम करता है, पढ़ाई करो अपना इसको ठीक करो, पढ़ाई करो जाकर। अच्छा आगे मेरी बात सुन, पाकिस्तान की आर्मी अलोक सर ने यह बोला कि कौन सी आर्मी दुनिया के अंदर जो है जमीने खरीद कर काश्तकारी करते, लालजी ये बता दो, कोई भी नहीं है दुनिया पूरी कोई में नहीं है, घूमो दुनिया पूरी में नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं, किसी और कंट्री में आए हैं, फिर शर्म होती है कि हमारी आर्मी ऐसी है, कंपनियां जो है वो किसी मुल्क में नहीं, किसी फौजी फेडरेशन की है, इनकी है अस्करी बैंक इनका है, सारे कुछ इनका है, पूरा मुल्क ही इनका है। बात खत्म करें, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।